नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विशेष पहल, पंचायतों में खोले जाएंगे खेल क्लब, गांव के खिलाड़ियों का होगा बल्ले बल्ले। यात्रियों की पहली पसंद बनी वंदे भारत, किराया है महंगा फिर भी सीटें हो जाती है फुल, रेल प्रशासन ने बताई वंदे भारत की डिमांड की वजह। बिहार में नौकरी का बहार, बिहार स्वास्थ्य विभाग निकाल रही है बंपर भर्ती, 42,000 पदों पर होगी नियुक्तियां और 12,000 नर्सों की भी होगी बहाली। पितृपक्ष के दौरान गया पहुंचेगा 15 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धालुओं को नहीं आएगी आज, सरकार ने की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। बीसीसीआई ने शेयर किया गंभीर और विराट का वीडियो, गंभीर विराट एक साथ इंटरव्यू में आए नजर, गौतम गंभीर ने कैसे की विराट की तारीफ और कोहली ने क्या पूछा सवाल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कई जिलों में अमीन और कानून गो को कैथी लिपि पढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे सर्वेक्षण काम में रुकावटें आ रही थी। इस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने 26 जिलों में अमीनों को कैथी लिपि का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण का आयोजन BHU के रिसर्च स्कॉलर प्रीतम कुमार और छपरा के वकार अहमद द्वारा किया जाएगा। ये प्रशिक्षण 3 दिनों का होगा, जिसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम जिला बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन और कानून गो भाग लेंगे। भूमि एवं राजस्व विभाग के निदेशक ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के गया में, जहां इस साल भी पितृपक्ष मेले की धूम मची हुई है। लाखों श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए गया पहुंच रहे हैं। इन सब को देखते हुए बिहार सरकार ने श्रद्धालु की सुविधा के लिए भव्य इंतजाम किए हैं। इस बार अनुमान है कि करीब 15 लाख श्रद्धालु गया आएंगे, इसलिए ठहरने की व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं है। गांधी मैदान में 2500 बेड की क्षमता वाली आधुनिक टेंट सिटी बनाई गई है, साथ ही 36 सरकारी आवास स्थल भी उपलब्ध है। निजी भवन, होटल, गेस्ट हाउस और रेलवे परिसर में भी ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। गया के सभी 54 वेदी स्थलों पर वाटर प्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात हैं। साफ पानी, शौचालय और यातायात व्यवस्था चकाचक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भभुआ और मोहनिया में पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना को इसी साल जुलाई में कैबिनेट से 198 करोड़ की स्वीकृति मिली थी और आज इसका उद्घाटन CM के हाथों किया गया। बता दें कि इस परियोजना के पूरा होने से भभुआ और मोहनिया दोनों शहरों में पेयजल का संकट का स्थायी समाधान हो जाएगा। इस योजना के तहत प्रतिदिन 35 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 135 लीटर शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। राजधानी पटना में बाढ़ के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं, खासकर दियारा क्षेत्र में। इसे देखते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 21 सितंबर तक जिले के 76 स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आज 18 सितंबर से शुरू हो रही अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जल स्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर है और धारा की तेजी के कारण बच्चों और शिक्षकों के जीवन पर खतरा बढ़ गया है। इसके चलते DM ने शिक्षा विभाग के पत्रांक 677 के आलोक में ये निर्णय लिया है। दियारा क्षेत्र के सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ की स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः विद्यालय खोले जाएंगे और सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। बिहार में नौकरियों की बौछार आने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 46,000 पदों पर बंपर बहाली करने जा रहा है। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना है और टीकाकरण अभियान को तेज करना है। मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसके साथ ही 12,000 नर्सों की भी बहाली की जाएगी। इसके अलावा 38 जिलों में 1,000 नए टीकाकरण कॉर्नर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण न केवल जानलेवा संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण में सहायक है, बल्कि इसके जरिए हम अपने बच्चों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में बिहार में
पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन पिछले 6 महीनों में लगभग 87% है, जिसे इस बार बढ़ाया गया है, 95% करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार की नीतीश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को भी बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही अब खेल विभाग ने पंचायत स्पोर्ट्स क्लब की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत राज्य के सभी पंचायतों में खेल क्लब खोले जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया बीते 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खेल विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, या विशेष जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9263885599 या ईमेल support@biharsports.orgl पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में मॉनसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य भर में बारिश संबंधी गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि दक्षिण और पश्चिम बिहार के कुछ इलाके, खासकर सीमांचल में बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे। पटना समेत आसपास के क्षेत्र में तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और तपिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और भोजपुर में हल्की बारिश की संभावना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए सीटें खाली नहीं मिलती, जबकि इसका किराया जो है सामान्य ट्रेनों की 3 टियर AC से 50 से 60% महंगा है। बता दें कि पटना से रांची के बीच 27 जून को शुरू हुई इस ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास में सीटें फ्लाइट से भी महंगी हैं, फिर भी इसकी 80% सीटें फुल रहती हैं। यात्रियों की पहली पसंद वंदे भारत बन गई है। बता दें कि पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार वंदे भारत की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एक साल में इसकी संख्या 9 पहुंच गई है और सभी रूटों पर सीटों की बुकिंग 80% तक पहुंचने की उम्मीद है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। सूचना के आधार पर टीम ने तेल टैंकर पर छापेमारी की, जिसमें शराब की 200 से अधिक कार्टून छिपाई गई थी। तस्कर अरुणाचल प्रदेश से ये खेप लाकर गाँव के गाछी में अनलोड कर रहा था, लेकिन छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार रहा। उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी की पहचान कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भागलपुर में लंबे समय से चली आ रही एयरपोर्ट की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि 3 संभावित स्थानों की पहचान कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इनमें सुल्तानगंज में 2 और गिरिडीह में 1 स्थान शामिल है। सुल्तानगंज में एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल भागलपुर बल्कि मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बांका और जमुई जैसे आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। गंगा पर बने सुल्तानगंज अगवानी पुल के चलते यहाँ पहुंचना बेहद ही आसान हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। वहीं गोराडीह में भी एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, लेकिन सुल्तानगंज को प्राथमिकता दी जा रही है। गया में 17 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए गया आ रहे हैं। वहीं इस बार पितृपक्ष मेले में 26 सितंबर को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी गया जा रहे हैं। वे अपने भक्तों के पूर्वजों का पिंडदान करवाएंगे। हालांकि इस बार उनका दरबार नहीं लगने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोधगया के संबोधी रिसोर्ट में ठहरेंगे और अपने विशेष भक्तों को विधि विधान के साथ पिंडदान एवं भागवत कथा सुनाएंगे। श्रद्धालुओं में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति विशेष उत्साह है, लेकिन दरबार न लगने से भक्तों में थोड़ी बहुत निराशा भी है। पटना रेल पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 चोरी के मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए गगए हैं। इन उपकरणों की कुल कीमत 4,50,000 रुपए आंकी गई है। रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर ट्रेनों में यात्रियों के सामान की चोरी करते थे और चोरी के मोबाइल फोन को फुलवारी शरीफ में एक दुकान पर बेच देते थे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्रवाई से इस गिरोह का सक्रियता समाप्त हो जाएगी।
आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जदयू और बीजेपी समान संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। जदयू ने लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इस दिशा में तैयारियां भी शुरू कर दी है। सोमवार को पटना में आयोजित एक संगठनात्मक बैठक में जदयू के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कभी भी गठबंधन में छोटा भाई नहीं रही है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम और बीजेपी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ एक सीट कम पर सहमति केवल इस कारण बनी थी कि गठबंधन में अन्य नेता भी शामिल हो गए थे। हालांकि जदयू की इस स्थिति पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित 8 आरोपियों को समन जारी किया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने 6 अगस्त को इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले के 3 आरोपी की मौत हो चुकी है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई ने विराट कोहली और गौतम गंभीर के बातचीत का 100 सेकंड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहा है। आईपीएल में दोनों के बीच झगड़ों की घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और हाल ही में किए गए इस इंटरव्यू में उनके बीच की पुरानी दरारें पूरी तरह से भुलाई गई हैं। वीडियो में गौतम गंभीर ने विराट के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। इसके बाद कोहली ने गंभीर से ऑन फील्ड बातचीत और झगड़ों के बारे में भी पूछा, जिस पर गंभीर ने चुटकी लिया और कहा कि इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अरविंद कुमार, संजीव कुमार, गुनर शर्मा, ओमकाश सिंह, राकेश मिश्रा, श्रीकांत कुमार, अरविंद सिन्हा, सपना कुमारी, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद अरमान, रवि, मोहन वर्मा, मुन्ना कुमार राम, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, जूली पटेल, नौशाद रजा, संजीव कुमार, मोहम्मद अजमेर, रवि कुमार राम। और बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको किसी एक चीज को बदलने का मौका मिलता है तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।